V3 न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र का दूसरा दिन रहा और आज का मुद्दा रहा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार। हाँ सौरभ जी, जो आपने आज मुद्दा उठाया, इसके पीछे क्या ये दृष्टिकोण तो नहीं है कि आने वाले जो चुनाव है MCD में उसमें आप बढ़त लें, क्या ये दृष्टिकोण था या वाकई में ही एक सीरियस नोट पे आप मुद्दा उठा के लोगों को बताना चाहते थे कि भाजपा सरकार कितनी भ्रष्ट है? देखिए, ये दोनों ही मामले सच हैं। दिल्ली के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर से भाजपा को हटाया जाए। देखिए, दिल्ली के जो सबसे ज़रूरी मामले हैं, जो एक आम इंसान के सबसे करीब हैं, उसके घर से निकलते ही उसकी सड़क, उसकी नालियाँ, उसके खड़ंजे, उनकी साफ सफाई, उसके कूड़े का निपटारा, उसके पार्कों का रख रखाव, उसमें कुत्तों की जंगली आवारा पशुओं की समस्या, ये सारे के सारे वो मामले हैं जिसको कह सकते हैं कि सरकारी पेन पॉइंट हैं। सबसे ज़्यादा दुखी अगर दिल्ली वाला किसी चीज़ से है जिसके प्रति वो सरकार को दोषी मानता है, वो यही काम है। दुख की बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली सरकार का काम है, क्योंकि उनको नहीं पता, लोग इतने बिजी हैं दिल्ली के, उनको नहीं पता क्या काम नगर निगम का है, क्या दिल्ली सरकार का है। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर दिल्ली सरकार की तरह आम आदमी पार्टी आए, ताकि एक सीमलेस गवर्नेंस हम नगर निगम और दिल्ली सरकार के लेवल पे दे सकें और दिल्ली वालों को एक अच्छा माहौल, दिल्ली को एक अच्छे शहर की तरह हम विकसित कर सकें। दिल्ली नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है भाजपा द्वारा कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिल्ली वाले इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जिताएं। तो ये आपका रहा। और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वो कैसे चाहते हैं कि इसको काउंटर किया जाए BJP को, और किस तरह से कंपेन किया जाए और दिल्ली की आम जनता को कैसे रिलीफ दिया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो कैंपेन है, जो सोच है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधी। दिल्ली के अंदर दो सरकारें काम कर रही हैं, दो मॉडल्स आपके सामने हैं काम करने के, सरकारी कामों को देखने के। MCD का मॉडल है, जिसमें भाजपा का मॉडल ऑफ वर्किंग है, भाजपा क्या काम करना चाहती है, कैसे काम करना चाहती है, वो MCD में। आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है, कैसे करना चाहती है, वो आपको दिल्ली सरकार का मॉडल दिखता है। दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक दिखते हैं, नए सरकारी स्कूल दिखते हैं, बिजली और पानी के अंदर मुफ्त योजनाएं दिखती हैं, तीर्थयात्री योजना दिखती है, ढेरों योजनाएं दिखती हैं, डबल पेंशन दिखती है, बहुत कुछ है। MCD में अगर आप देखें तो 15 साल में आपको कोई बड़ी योजना आप नहीं सोच पाएंगे जो ये लाए। हाँ, ये है कि लेंटरों के ऊपर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको रिश्वत देनी पड़ती है अगर आप मकान बनाएं। सफाई की व्यवस्था घटिया है, कूड़े का निपटारा बेहद गंभीर, बहुत परेशानी देने वाला है, जगह जगह जंगली कुत्ते, आवारा पशु देखने को मिलते हैं, सड़कों की हालत, मेन रोड्स बेहतर हैं और जैसे ही आप कॉलोनी के अंदर जाएं तो जो घटिया रोड्स हैं वो MCD की हैं। दिल्ली के लोग जो है इन दोनों को कंपेयर करें, जो बेहतर लगे उसको वोट दें। तो एज ए विधायक आपने इसको रोकने की कितनी कोशिश की अपने ग्रेटर क्लास इलाके में? देखिए, हमने दिल्ली विधानसभा की समितियों के माध्यम से, क्योंकि एज अ विधायक मेरा कोई कंट्रोल नहीं है MCD के ऊपर, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो समितियां हैं उनके माध्यम से हमने बहुत कोशिश की कि इनके ऊपर थोड़ा सा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इनकी बनाई जाए। बहुत सारे MCD अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध किया, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, उनके गलत डिसीजंस को रोल बैक करवाया, मगर विधानसभा की समितियों की एक सीमित कार्यशैली है, हमारे पास समय की सीमा है। मेरा बड़ा काम जो है वो दिल्ली सरकार के कामों को देखना और उसमें दखल करना है, दिल्ली विधानसभा के काम है, अन्य काम है, तो हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है MCD का जो होना चाहिए।